अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सर अली फ्रॉम कंप्यूटर एजुकेटर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। बैक अगेन विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे HTML स्टाइल्स क्या होते हैं और किस तरह से उसको अपने HTML डॉक्यूमेंट में लगाया जाता है। तो HTML स्टाइल एट्रीब्यूट इज यूज टू एड स्टाइल्स टू एन एलिमेंट, जैसे कि कलर है, फॉन्ट साइज है और मोर प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले HTML स्टाइल एट्रीब्यूट को स्टडी करेंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे किस तरह से इसको ऐड किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ है, मैं पी के टैग के अंदर इसको लिख देता हूँ, जिसमें मैं लिखूँगा स्टाइलिंग एंड पैराग्राफ। सेव किया इसको मैंने और इसको अब चलते हैं और इसको व्यू करते हैं कि कैसा लग रहा है। तो राइट क्लिक करके ओपन विद गूगल क्रोम में इसको करूँगा। तो ये देख सकते हैं कि अभी बिल्कुल सिंपल लग रहा है, बट जब मैं इसमें फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ ऐड करूँगा, जैसे कि स्टाइल फर्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं अपने पास वेब बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर अगर मैंने यहाँ लिखा और मैंने रेड लिख दिया या येलो लिखते हैं ताकि हाईलाइटेड लगे, तो ये कैसा विजिबिलिटी इसकी आ रही है वो देखना है। ये देखें आप किसकी विजिबिलिटी कैसी आ रही है आपके सामने। अगर मैं इसके अंदर टेक्स्ट कलर प्रॉपर्टी ऐड कर दूं, वो बेसिकली मैं कर सकता हूँ कलर से। अगर मैंने इसका कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड वाली मैं हटा रहा हूँ, कलर मैंने इसका फॉर एग्जाम्पल रेड कर देना, तो मैं लिखूँगा कलर इज इक्वल्स टू रेड और इसको रिफ्रेश करा, तो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट का कलर मेरे पास रेड हो चुका है। इसी तरह से अगर मैं फॉन्ट प्रॉपर्टी सेट करूं, तो मेरे पास डिफरेंट फॉन्ट फैमिलीज हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं फॉन्ट फैमिली ऐड करता हूं एक वर्डाना, इसको किया मैंने पेस्ट, रन किया, तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये फॉन्ट स्टाइल इसका चेंज हो चुका है और ये फॉन्ट फैमिलीज की वर्डाना हो चुकी है। इसी तरह से मैं टेक्स्ट साइज सेट कर सकता हूँ, जिस तरह से मैं कहूँ अगर फॉन्ट साइज का हमें बढ़ा के 300% करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें इसका स्टाइल अपग्रेड हो गया है और इसका साइज इस वक्त अपग्रेड हो गया नज़र आ रहा है। इसी तरह से एक मेरे पास प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन, अगर मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूंगा तो मेरा जो टेक्स्ट है ऑटोमेटिकली अलाइन होकर सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज अलाइन करी, जिसमें टेक्स्ट अलाइन सेंटर था, फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी, फॉन्ट फैमिली, टेक्स्ट कलर और बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टीज हमने अप्लाई करी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें और इस वीडियो को हम दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक यू।